हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता जनतागी आपके हमने फिर से एक नया वीडियो लेके। सो गाइस, आज का वीडियो है कैला देवी पर। तो मैं जा रही हूँ कैला देवी, माता रानी ने हमें बुलाया है। सो आज मैं आपको कैला देवी के दर्शन कराऊंगी, दिखाती हूँ क्या क्या होता है, कैसे पहुँचे हम कैला देवी। जिन लोगों ने कैला देवी नहीं देखा है वो मेरे वीडियो भी क्यों देख सकते हैं। सो आज हम कैला देवी की यात्रा करने जा रहे हैं। सो जय माता दी, जय माँ कैला देवी। सो आगे मैं सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। सो पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, इस पूरा वीडियो देखें। सो गाइस चलो चलो, जय माता दी। सो हम घर से निकल चुके हैं कैला देवी के लिए। ये रास्ता है कैला देवी का। सो अब मैं आगे की रास्ते की वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि इससे आगे अंधेरा हो गया था। अब सीधा मिलते हैं हम कैला देवी में। जय माता दी। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कैला देवी जा रहे हैं, तो हम कैला देवी आ चुके हैं। ये कैला देवी का रूम है यहाँ पर। सो हम आपको दिखाएंगे मंदिर। और मैं अभी सो के उठी हूँ, तो अच्छा लग रहा है। अब हम नहाने जा रहे हैं, रेडी होते हैं, फिर आपको मंदिर दिखाते हैं। चलो गाइस, हम हो गए हैं नहा धोकर रेडी। अब हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए, दर्शन करेंगे। तो वहाँ आपको दिखाएंगे माता रानी के दरबार की थोड़ी सी वीडियो। तो चलो, इतने सारे लोग हैं, हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो यहाँ हो गए थे, ये यहाँ का गेस्ट हाउस है, देखिए बहुत अच्छा है। और हम सब लोग यहाँ रुके हुए थे। ये देखिए कैला देवी का गेस्ट हाउस, बहुत सुंदर है यहाँ का। ला 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 ला। तो हमने रूम खाली कर दिया है, अब हम निकल रहे हैं दर्शन के लिए। फिर चलो देखते हैं आगे। तो ये यहाँ का गेस्ट हाउस है, ये इसका बाहर का सीन है जहाँ से हमने एंट्री की थी। ये देखो नया बना है, बहुत अच्छा है और बहुत साफ़ सुथरा है, क्योंकि जब हम इसमें रुके थे तो बहुत साफ़ था, बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी। ये देखो इसके प्लांट्स की जगह, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे। ये इसकी बिल्डिंग है, इसमें इतने सारे रूम हैं, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा है। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इस वाले गेस्ट रूम में मैं पहली बार रुकी हूँ और बहुत अच्छा है यहाँ पर। ये देखो बच्चे भी खेल रहे हैं हमारे, इन्हें एक पपी मिल गया था तो उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरी देवरानी हैं और इसके बच्चे और मेरी बेटी पपी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इन्हें बहुत अच्छा लगा था यहाँ रुककर, बहुत फ्रेश फील हुआ था। सो बहुत अच्छा गेस्ट हाउस था। सो अब हम मंदिर की ओर चल दिए हैं। ये यहाँ के पथरीले रास्ते हैं थोड़े से, पहले यहाँ बहुत कठिन था लेकिन अब बहुत अच्छा हो चुका है, मतलब कि रास्ता बना दिया गया है, ये सीढ़ियाँ भी हैं। तो हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ का लुक, यहाँ पीछे पहाड़ भी हैं क्योंकि यहाँ राजस्थान लगता है, पहाड़ी एरिया है। सो मैं आपको पीछे पहाड़ दिखा रही हूँ और मैं चलती हुई आ रही हूँ ऊपर, क्योंकि थकान हो रही है थोड़ी, चाहिए चलने में। सो रास्ते में बहुत सारी बकरियाँ मिल गईं, पता नहीं इनका झुंड कहाँ से आ गया। तो देखिए अब मैं मार्केट के अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ से भवन थोड़ी सी दूर है और यहाँ बहुत सारी शॉप लगी रहती है मार्केट में। ये देखिए कितनी सारी शॉप है यहाँ, बच्चों के टॉयज वगैरह, ताबीज़, बहुत सारी शॉप होती है यहाँ पर। सो हम प्रसाद ले रहे हैं यहाँ से, प्रसाद की दुकान है ये, यहाँ से हमने प्रसाद लेना है। तो यहाँ ये सब लोग प्रसाद की पूछ रहे हैं। और यहाँ चूड़ियाँ बहुत सारी मिलती हैं, सब तरीके की चूड़ियाँ होती हैं, और जो भी यहाँ जाता है चूड़ियाँ तो ज़रूर पहन के आता है। सो ये देखिए ये प्रसाद की दुकान है, यहाँ पर प्रसाद में लाई और इलायची दाने मिलते हैं। सो यहाँ से हमने प्रसाद लेने की तैयारी की है। सो ये देखिए नित्या मेरी बेटी,
सामान देख रही है, खुश हो रही है कि मम्मा क्या क्या मिल रहा है, ले लो कुछ तो ले लो। मैं भी आई और मैंने यहाँ देखा सामान, पर मैंने कहा सिर्फ देख लिया लेकिन लूँगी मैं बाद में, पहले हम पूजा करने जाएंगे। यहाँ तरह तरह के टॉयज थे, तो मैं दिखा रही थी बहुत सारे टॉय हैं यहाँ, और ये देखिए बैंगल वगैरह बहुत सारे मिलते हैं यहाँ, लड़कों के कड़े, चूड़ियाँ, तस्वीर, सभी सामान यहाँ मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ का मार्केट और दिल खुश हो जाता है देखकर। सो अब इसके बाद हमने प्रसाद लिया है, ये देखिए प्रसाद की थाली है, ये 101 रुपए की दी है इन्होंने, प्रसाद की थाली ली है। अब यहाँ से हम प्रसाद की थाली लेके मंदिर की साइड चल दिए हैं। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर, यहाँ हमने अपने स्लीपर्स उतारे, स्लीपर्स उतारने के बाद हमारी मंदिर में एंट्री हो गई है, अब हम मंदिर जा रहे हैं। सो चलो मंदिर की तरफ देखते हैं आगे। अब ये देखिए हम मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया है, यहाँ गोले बने हुए हैं, जैसे कि अभी कोरोना निकल के गया है तो यहाँ मंदिर में होती बहुत भीड़ है, तो इस हिसाब से यहाँ पर मेंटेन भी किया गया है। इस टाइम भीड़ नहीं थी क्योंकि इस टाइम अभी यात्री बहुत कम पहुँच रहा है, जब मेला होता है मार्च के महीने में तब बहुत भीड़ होती है, यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। ये जो रेलिंग बनी हुई है इसमें बहुत भीड़ होती है, अभी नॉर्मल था 1000-1500 आदमी होगा, लेकिन उतना नहीं था जितना मेले के टाइम पे होता है, तो मेले के टाइम पे यहाँ बहुत भीड़ होती है। तो अब हम थाली लेकर जा रहे हैं अंदर, हमारी ये एंट्री है, इस रेलिंग में से हमें निकलना होता है। तो गाइस देखिए हम चल गए हैं, अब हम अंदर पहुँच गए हैं, ये मंदिर में हमने दिया जला दिया है, दिया जलाने के बाद एंट्री करेंगे अंदर, क्योंकि यहाँ दिया भारी जलता है, अंदर दिया नहीं दे जा सकते। हाँ हमने दिया जलाया और अब हम निकलेंगे अंदर। सो यहाँ पर 24 घंटे ढोल बजता रहता है, बहुत लोग यहाँ नाचते हैं, मेले के टाइम पे तो सभी लोग नाचते हैं, अभी थोड़ा बहुत नाचते हैं। और हमारी ये एंट्री हो चुकी है अंदर, जहाँ से हम मंदिर जाएंगे, सारी रेलिंगें भरी होती हैं, जो भी आपको खाली नहीं है ये पूरी भरी रहती हैं, क्योंकि मेले के टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अभी खाली खाली है, दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे, ये देखिए बहुत कम लोग हैं, नॉर्मल जा रहे हैं, तो यहाँ दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे। जिस साइड के मंदिर हैं ठीक भवन के सामने एंट्री हो चुकी है, ये सामने भवन दिख रहा है फूलों से सजा हुआ, तो यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है लेकिन भीड़ कम है, तो चालाकी से लोग कैमरा निकाले हुए हैं, तो मैंने भी दर्शन आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा कैमरा चोरी छुपे चालू कर लिया था। ये भवन है, ये देखिए इतना सुंदर सजा हुआ है, ये मंदिर की एंट्री की सीढ़ियाँ हैं, और ये बिल्कुल हम अंदर मेन मंदिर में पहुँच चुके हैं एक तरीके से। तो यहाँ पंडित जी बैठे हैं, जितना मैं बना पाऊँगी बनाऊँगी, उसके बाद कैमरा ऑफ कर दिया जाएगा। ये देखिए अंदर का भी मैंने थोड़ा सा ले लिया है, दर्शन हो चुके हैं। ये पीछे के रास्ते से निकलने की जगह है, क्योंकि हम वहाँ आपको तस्वीर नहीं दिखा सकते थे क्योंकि कैमरा वहाँ ऑफ कर दिया जाता है, तो ये हम निकल आए हैं पीछे के रास्ते से। यहाँ पर ये देखिए ढोल बजा रहा है और सब लोग यहीं डांस करते हैं। ये साइड का मंदिर है, जो हम दर्शन करने के बाद निकलते हैं, यहाँ दिए जलते हैं, और ये पूरा कैला देवी भवन है। और यहाँ से अब हम एक और मंदिर जा रहे हैं, जो साइड का मंदिर है, ये है मंदिर भैरव भगत जी का मंदिर, तो इसके दर्शन सब ज़रूर करते हैं। इसमें हमारी एंट्री हो गई है, अब यहाँ हम दर्शन कर रहे हैं, इसके बाद सभी लोग यहाँ से दर्शन के आगे निकलेंगे। सो ये देखिए भैरव भगत जी का मंदिर है, सब यहाँ दर्शन कर रहे हैं और मैं भी यहाँ दर्शन में लाइन में लगी हूँ। सो जय हो भैरव भगत जी, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। अब दर्शन करने के बाद यहाँ मिलती है चना, हलवा, जलेबी, सो हमने लिया प्रसाद। यहाँ पहले कन्याओं को प्रसाद दिया जाता है दर्शन करने के बाद, तो इन्होंने पूरी चना हलवा लेके कन्याओं को दिया है। ये देखिए कन्याएं यहाँ बहुत सारी अपने आप से आ जाती हैं, तो यहाँ पर हमने बांट दिया।
सो ये है कोई मन्नत वाले, जिन्हों की मन्नत हुई होगी यहाँ पूरी, और वो लेके आए इतना बड़ा झंडा ढोल लंगाड़े के साथ, पूरी तैयारी के साथ ये लोग यहाँ पर माता रानी को झंडा चढ़ाने आए हैं। ये देखो माहौल बहुत अच्छा होता है यहाँ का, पूरा भक्ति में भाव होता है यहाँ पर, आपका मन एकदम भक्ति में हो जाएगा। ये देखो बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पर अपनी मन्नत पूरी होने के बाद झंडा चढ़ाने आए थे। गाइस यहाँ मैंने कचौड़ी का नाश्ता किया है, बहुत टेस्टी कचौड़ी थी, एकदम गर्मा गर्म चाय भी पी मैंने यहाँ से। अब हो गए हमारे दर्शन, अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो गाइस देखो गाड़ी रेडी है, हम सब लोग बैठ रहे हैं और हम निकल रहे हैं। जय माता दी। प्यार के कातिल प्यार के दुश्मन लाख बने, तो हमारी एंट्री हो चुकी है आगरा के अंदर। म्यूजिक चल रहा था कार के अंदर, सो मैं पूरा म्यूजिक नहीं सुना सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम आ चुके हैं अब अपने घर। बाय।